मोक्ष का द्वार है द्वारिका। परंपरा के अनुसार द्वारिका दुनिया की सबसे पहली लोकशाही भी कहलाती है। यह सोने की नगरी, यह पवित्र नगरी द्वारिका, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने बतौर अपनी राजधानी चुना। द्वारिका हिंदू शास्त्र के अनुसार चार पवित्र धाम एवं सात पवित्र पुरी में एक है। यह पवित्र नगरी की खुशबू दुनिया भर से भक्तजनों एवं यात्रियों को सदियों से यहां बुलाती है। यहां दर्शन करके दूर सुदूर से आए यात्री अपना जीवन सार्थक बनाते हैं। द्वारिका नगरी भारतीय अरब सागर के पश्चिम तट पे लोकेटेड है, जो यहां आने वाले यात्रियों के लिए कई सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस प्रदान करता है। भारत के प्रमुख नगरों से रेल, रोड एवं विमान मार्ग की उपलब्धता और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता की बदौलत पिछले कुछ सालों में यात्रियों की तादाद में काफी बढ़ोतरी हुई है। गोवर्धन ग्रीन्स एक ऐसा एग्रीटेनमेंट कॉम्प्लेक्स है जिसके पहले चरण में 17 वातानुकूलित रूम्स, 56 भोग, संपूर्ण शाकाहारी रेस्टोरेंट एवं विशाल क्लब हाउस उपलब्ध है। पूर्णतः आधुनिक क्लब हाउस में स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, जिम्नेशियम एवं वीडियो गेम्स जोन उपलब्ध है। प्रकृति के अद्भुत उपहार का एहसास करने के लिए काफी बड़े लॉन्स भी यहां उपलब्ध है। गोवर्धन ग्रीन्स राष्ट्रीय राजमार्ग 51 या राष्ट्रीय राजमार्ग 8E के ऊपर पवित्र नगरी द्वारिका से महज 8 किलोमीटर की दूरी पे बनाया गया है। प्रारंभ के 2 माह में ही गोवर्धन ग्रीन्स ट्रिप एडवाइजर की रैंकिंग में पहली पायदान पे पहुंच गया था, जो आज तक वहां मजबूती से टिका है और जो हाल ही में ट्रिप एडवाइजर द्वारा ट्रैवलर चॉइस अवार्ड 2013 की फैमिली डेस्टिनेशन की कैटेगरी से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला गोवर्धन ग्रीन्स पूरे भारत में एकमात्र रिसॉर्ट है। द्वारिका में आने वाले ज्यादातर यात्रियों की जरूरियात को समझ के, खास करके जब अधिकतम लोग ग्रुप में ट्रैवल करते हैं और सामान्यतः एक साथ 3 पीढ़ियां यात्रा में शामिल होती है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए गोवर्धन ग्रीन्स की प्लानिंग की गई है, जहां 3 पीढ़ियों के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध है। बच्चों के लिए विशाल लॉन्स के साथ प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स, टीनेजर्स के लिए काफियाना दे काफे एवं वीडियो गेम्स, शरीर एवं दिमाग की चुस्ती के लिए स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स और जिम्नेशियम उपलब्ध है। गोवर्धन ग्रीन्स में उपलब्ध ग्रीनरी इस जगह को पूरे इलाके में अपनी एक अलग पहचान देती है, जहां आज 6,000 से ज्यादा पौधे प्लांट किए गए हैं और इनकी संख्या 2015 के अंत तक इससे 4 गुना हो जाएगी। अरेबियन समुद्र एवं विंडमिल्स के बैकड्रॉप में गोवर्धन ग्रीन्स का ये लोकेशन कुदरत की बेशुमार खूबसूरती को बयां करता है। कुदरत की बेशुमार गिफ्ट नेचुरल रिसोर्सेज के उपभोग में प्रत्येक स्टेज पर रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल का पालन करके गोवर्धन ग्रीन्स अपनी नेचर के प्रति जिम्मेवारी का पालन करता है, चाहे यह कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस या एक्सपांशन हो या फिर यात्रियों का नेचर के साथ तालमेल हो। गोवर्धन ग्रीन्स के प्राकृतिक खेतों में से ज्यादातर सब्जियां और गिर नस्ल की गाय, जिनका दूध वेदों और पुराणों के मुताबिक उत्तम दूध माना जाता है, वहीं गोवर्धन ग्रीन्स के किचन में जाते हैं। भविष्य में बड़ी तादाद में अनाज
एवं फलों की भी यही प्राकृतिक खेत से आपूर्ति होगी। इसके बदौलत हमारी कस्टमर सर्विस के उच्च स्टैंडर्ड्स को और ऊंचा ले जाने में हमारी मदद होगी और यात्रियों को खेती का आनंद प्रदान करेगी। पानी कुदरत का सबसे अमूल्य उपहार है और गोवर्धन ग्रीन्स इसका महत्व भली भांति समझता है। इस उपहार को सवारने के लिए गोवर्धन ग्रीन्स में 3 लाख लीटर की रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है। इस टंकियों को इनोवेटिव प्लंबिंग सिस्टम से जोड़ के कुदरत के उपहार रूप एक एक बूंद के उपयोग से पानी को हार्वेस्ट किया जाता है, या तो प्राइमरी वाटर सोर्स को रिचार्ज किया जाता है। इस सिस्टम्स की बदौलत सालाना करीबन 10 लाख लीटर तक पानी को रिचार्ज किया जाता है। जमीन को भारत में माँ की उपमा दी गई है और गोवर्धन ग्रीन्स में इस माँ का पूरी तरह से सम्मान किया जाता है। इस जमीन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए गोवर्धन ग्रीन्स में वाटर रिचार्ज, प्राकृतिक खाद और गौमूत्र का उपयोग किया जाता है। द्वारिका नगरी यात्रियों को काफी सारे टूरिंग ऑप्शंस प्रदान करती है। बुनियादी तौर पे यात्रियों का द्वारिका आने का प्रयोजन विश्व प्रसिद्ध जगत मंदिर या द्वारिकाधीश मंदिर रहा है। नागेश्वर तीर्थ यहाँ से महज 20 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है, जो हिंदू शास्त्र में प्रस्थापित द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। सोमनाथ की दूरी द्वारिका से महज 250 किलोमीटर पे है, जो कि एक और ज्योतिर्लिंग है, जहां 4 घंटे की मोटर यात्रा से पहुंचा जा सकता है। बेट द्वारिका, जो भगवान श्री कृष्ण जी का राजमहल यानी कि घर माना जाता है, वो 35 किलोमीटर की दूरी पे आया हुआ है। यहां पहुंचने के लिए अरेबियन समुद्र में नौका के जरिए पहुंचते हैं। यह नौका विहार यहाँ की पवित्र एवं आह्लादक यात्रा को और रोमांचकारी बनाता है। यह अरबी समुद्र विविधता से भरपूर मरीन लाइफ से आविष्कृत है। यहाँ पे मछलियों की रानी डॉल्फिन, स्टारफिश, कई तरह के क्रैब्स, ऑक्टोपस साल के अधिकतम समय में देखने को मिलते हैं। अगर आपको समुद्र से प्यार है तो द्वारिका नगरी के इर्द गिर्द ओखामढ़ी, शिवराजपुर और मूलवेल जैसे बीच है, जो आपकी प्रसन्न यात्रा को और रंगीन बनाते हैं। सर्दियों में विदेशी यात्रियों के साथ साथ विदेशी पंछी भी चरकला, पोरबंदर और खिजड़िया जैसी जगहों को अपने प्रवास के लिए पसंद करते हैं। काफी बड़ी तादाद और विविधता सभर यह पंछी बर्ड लवर्स के लिए अद्भुत कैट वॉक पेश करते हैं। यह सारी बर्ड सेंचुरीज द्वारिका से 150 किलोमीटर पे मौजूद है। विदेशी पंछी हर साल नवंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ देखे जाते हैं। यात्रियों का स्वच्छता के प्रति लगाव और कस्टमर सर्विस के उच्च मानदंड की बदौलत गोवर्धन ग्रीन्स में हम यात्रियों को किचन विजिट के लिए आमंत्रित करते हैं। यहाँ ये कस्टमर का हक माना जाता है। गोवर्धन ग्रीन्स की आधुनिक सुविधाएं इसको ग्रुप स्टे, धार्मिक उत्सव जैसे कि ध्वजा आरोहण, भागवत सप्ताह, सामाजिक उत्सव जैसे कि शादियां, बर्थडे सेलिब्रेशन एवं कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे कि प्रोडक्ट लॉन्च और डीलर कॉन्फ्रेंस एवं सोशल पिकनिक के लिए परफेक्ट लोकेशन बनाती है। दूसरे चरण में विशाल बैंक्वेट हॉल के साथ रूम्स की तादाद को 70 तक ले जाई जाएगी। दूसरा चरण 2015 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। लंबी दूरी में गोवर्धन ग्रीन्स को एक यूनिक एग्रीटेनमेंट कॉम्प्लेक्स में प्रस्थापित करना हमारा लक्ष्य है।
यहाँ कई तरह के एंटरटेनमेंट के साथ साथ ट्रेडिशनल भारतीय मेहमान नवाजी उपलब्ध होगी। पूरा विस्तरण संपूर्ण होते ही यहाँ एक यूनिक ऑल्टरनेट थेरेपी सेंटर उपलब्ध होगा, जो प्राचीन वेद शास्त्रों के बताए गए उपायों से प्रिवेंटिव हेल्थ और आपके निरोगी जीवन के लिए आपकी मदद करेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन में गोवर्धन ग्रीन्स की उपलब्धियाँ ट्रिप एडवाइजर रेटिंग में रिफ्लेक्ट होती है। इन उपलब्धियों का श्रेय पूरी टीम गोवर्धन को जाता है। कस्टमर के प्रतिभाव एवं रिव्यूज इस टीम के लिए आगे बढ़ने का ईंधन है, जो हमारे द्वारा स्थापित उच्च मानदंडों को पार करके आने वाले समय के लिए स्थापित मानदंडों को और ऊंचाई पे प्रस्थापित करने की गति प्रदान करता है। और अंतिम लक्ष्य बढ़ती हुई कस्टमर एक्सपेक्टेशन को पार करने में मदद करता है। महाभारत को इस जगत का सबसे पुराना मैनेजमेंट इवेंट माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी इस दुनिया के सबसे बेहतरीन मैनेजर माने जाते हैं। ऐसे महानायक भगवान श्री कृष्ण जी ने इस पवित्र भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया था। माँ से भी प्यारी जन्मभूमि मथुरा छोड़ने के पश्चात उन्होंने इस पवित्र भूमि को बतौर अपनी राजधानी बसाया। भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा छोड़ के द्वारिका आए थे, और आप भी आइए सबके साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गोवर्धन ग्रीन्स में।